मुर्दाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, पठान मूवी बैन करो, बैन करो, बैन करो। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन की अपकमिंग फिल्म पठान का बेशरम गाना क्या रिलीज हुआ, मानो हंगामा ही मच गया। इस गाने को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले दीपिका की भगवा बिकनी को लेकर सवाल उठे, बोल्ड सीन्स को लेकर हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए, उसके बाद मुस्लिम समुदाय ने भी इस गाने का विरोध किया। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली ने गाने को मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया और पूरे देश में फिल्म के रिलीज नहीं होने की बात कही। वहीं अब गाने के विरोध करने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने भी इस गाने के विरोध में, बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोन के कपड़ों के विरोध में एनएचआरसी में शिकायत दे दी है। जी, अब ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। सोचिए, फिल्म पठान के गाने को रिलीज हुए अभी ठीक से एक हफ्ता भी नहीं बीता और उससे पहले ही इस गाने को इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने मानवाधिकार आयोग को दी अपनी शिकायत में फिल्म से इस गाने को हटाने की मांग कर डाली है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है, जिसे लोग भगवा बोल रहे हैं वो दरअसल मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग भी है। अपनी शिकायत में दानिश खान ने इस गाने को हिंदू मुस्लिम एकता को आहत करने वाला करार दिया है। उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड को पार्टी बनाते हुए इस फिल्म से इस गाने को हटाए जाने की मांग रखी है। कह दिया है कि हमें इस रंग का सम्मान करना चाहिए। मतलब एक के बाद एक विवाद। पठान फिल्म का एक गाना बेशरम रंग जिस दिन से रिलीज हुआ है उसी दिन से इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही भगवा के नाम पर फिल्म का और गाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे कर इस गाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय भी उतर आया है। पहले मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष और उनके बाद अब दानिश खान, जो सीधा मानवाधिकार आयोग ही पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। ऐसे में अब इस गाने को लेकर पकड़ा तूल फिलहाल तो शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको याद हो तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस गाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, ट्वीट किया था। फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोन की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्य और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए ये विचारीय होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोन जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस गाने के खिलाफ रोष दिखाई दिया। उपेंद्र सिंह राठौर नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें शाहरुख खान का पोस्टर जलाया जा रहा है। ट्वीट में लिखा है, करणी सेना ने अलवर में अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन द्वारा पठान फिल्म में जो भगवा रंग को बेशर्म रंग कहकर अपमान किया उसके विरोध स्वरूप पुतला जलाकर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पत्रकार शाजिया निसार ने लिखा, रंग पर किसका हक है ये अलग मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार की वल्गैरिटी गाने में दिखाई गई है मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। एक तरफ शाहरुख उम्रा करके आते हैं, दूसरी तरफ पठान का गाना बेशर्म रंग, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। वहीं अभय प्रताप सिंह नाम के पत्रकार ने लिखा, फिल्म का नाम पठान, गाने का नाम बेशर्म रंग, रंग भगवा। शाहरुख की फिल्म पठान में पवित्र भगवा रंग को बेशर्म रंग बताते हुए यह अश्लील चित्रण किया जा रहा है। एक तरफ शाहरुख खान माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवा को बेशर्म रंग बताकर अश्लील दृश्य फिल्मा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पठान फिल्म के रिलीज हुए पहले गाने पर विरोध जताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कैसे हुई। फिल्म के गाने पर विवाद वैसे तो रिलीज के बाद से ही जारी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गाने को आपत्तिजनक बताया था, फिर विश्व हिन्दू परिषद, वीर शिवाजी समूह ने गाने का विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष भी इसके विरोध में शामिल हो गया। हालांकि शाहरुख खान ने कोलकाता के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस विरोध का जवाब भी दिया था। शाहरुख खान ने कहा था कि मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आपको बता दें, फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को थिएटर्स में दस्तक देगी। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम भी लीड रोल में नजर आएंगे। पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस गाने का जब ये हश्र किया गया है तो फिर रिलीज होने पर फिल्म का क्या हश्र होगा। फिल्म चलेगी या फिर अब मानवाधिकार आयोग भी शिकायत मिलने पर इस मामले में कोई एक्शन लेगा। वैसे आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। शाहरुख खान, करणी सेना, पठान